के बारे में बात कर लेते हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। गर्मी तो मैं क्या करूं, एसी तो चल ही रही है, चल रही है भाई, टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। तो ध्वनि की गुणवत्ता कल अपने बात कर ली थी कि आवृत्ति भी समान है और तीव्रता भी समान। देखो आवृत्ति अलग अलग होती है तो अपन कहते हैं कि उसको तारत्व है, किसका तारत्व ज्यादा और इसका तारत्व कम होती है। फिर तीव्रता अलग अलग होती है तो कहते हैं कि प्रबलता कम और प्रबलता ज्यादा है। कई बार देखा कि प्रबलता भी समान है, मतलब तीव्रता भी समान है, आवृत्ति भी समान है, फिर भी देखा कि वो दोनों ध्वनियों में अंतर दिखाई दे रहा था कि भाई जितना जोर से बोल रहे हैं दो जने हैं कि बोल भी उसी स्पीड से रहे और आवाज भी दम भी उतना ही है, फिर भी ऐसा लगता है कि एक आवाज अच्छी लग रही होती है और एक ठीक नहीं लग रही होती है। तो वो क्या होते हैं, क्वालिटी होती है। तो कहते हैं ये क्वालिटी का जजमेंट कैसे लिया जाता है, तो इनका जजमेंट लिया जाता है इनके संवाद संनादि और उनके सापेक्ष क्रम पर निर्भर। मतलब संनादि की कैसे क्रम में रखी हुई है, कम ज्यादा की हार्मोनिक है या फिर वो हार्मोनिक नहीं है, बीच बीच में कौन सी गायब और कौन सी आ रही है। तो कहने का मतलब है सब कुछ आ जाता है कि आवृत्ति के हिसाब से अपन तारत्व बताया, तीव्रता के हिसाब से अपने प्रबलता बताई और फिर तीसरा देखा कि अपन ने ये दोनों समान होते हुए भी अलग अलग आपको उनमें विभेद कर पा रहे थे, वो क्या थी, उसकी क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी। कला समन स्रोत या कला समन तरंगे क्या होती, यदि अलग अलग तरंगे उनके मध्य कलांतर आता है और वह कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता तब तो कला संबद्ध कहलाता है और परिवर्तित होता है तो कला असंबद्ध कहलाती है। ठीक है, तो इनकी आवृत्तियां क्या रहेंगी, आपकी समान रहेंगी। कोई भी तरंग को आप ऐसे लिखते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखा। अब इनमें घटाएंगे तो ओमेगा से ओमेगा गया, लेकिन एक की ओमेगा वन और एक की ओमेगा टू, तो घटाएंगे तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी। अब देखो टी जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे कलांतर भी बदलेगा। तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो तरंगों का अध्यारोपण से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, बलों का अध्यारोपण, संवेग का, सॉरी इसका अभिभव का अध्यारोपण, विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण, गुरुत्वीय क्षेत्र का अध्यारोपण। अध्यारोपण से क्या मतलब होता है कि एक ही साथ कूद पड़े उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। जैसे ये कण था, ये एक तरंग आती है और ऐसे जाती है, तो ये कण क्या करेगा, इस तरंग के अनुदिश अकॉर्डिंग दोलन करेगा। फिर मैं कह रहा हूं कि एक तरंग ये आती है और ये क्या करेगा, अब इस तरंग के अकॉर्डिंग क्या करेगा, दोलन करेगा। लेकिन दोनों तरंगे एक साथ ही आ गई तो ये क्या करेगा, दोनों की सुनेगा, तो दोनों के परिणामी के अनुदिश अब दोलन करेगा। हो सकता है दोलन करे भी और ना भी करे, वो तो निर्भर करता है कि तरंगे कैसे आ रही है, किस कोण पे आ रही है, कितना कलांतर है। तो जब दो या दो से अधिक परिगामी तरंगे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, मतलब एक को दूसरी पर, दूसरी को पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक साथ आपतित होते हैं तो माध्यम के कण जो होते हैं उनका विस्थापन किसी भी क्षण दोनों तरंगों के सदिशों के बराबर होता है। ठीक है, इसका वाई वन था, इसका वाई टू था, परिणामी विस्थापन क्या होगा, वाई वन प्लस, एक चाहता ऊपर जाए एक चाहता नीचे जाए, तो और दोनों का बराबर बराबर है तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, एक कहता ऊपर जाए दूसरा भी कहता ऊपर जाए तो ओवरऑल ऊपर चला जाएगा। ये होता है तरंगों का अध्यारोपण। अध्यारोपण से आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे क्या, व्यतिकरण पढ़ेंगे, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, परगामी तरंगे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, विस्पंद पढ़ेंगे। विस्पंद की बात करूं तो वेट्स पढ़ेंगे, ये अपन इनके अनुप्रयोग है। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता यांत्रिक तरंगों का व्यतिकरण। तो अब इन तीनों चीजों को बड़ा ध्यान से समझना, क्या होती हैं कि तीनों को मैं एक साथ ही कंपेयर कराऊंगा, फिर वन बाय वन पढ़ेंगे किस किस को, व्यतिकरण, विस्पंद और अपरगामी तरंगों का निर्माण। दो तरंगे, दोनों कला संबंध, दो तरंगे कला संबंध समान दिशा में जाती जाती एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो वो घटना कहलाती है व्यतिकरण। कला संबंध तरंगे समान दिशा में जा रही हैं फिर अध्यारोपित होती है तो क्या कहलाता है, व्यतिकरण। समान तरंगे सर्वसम है लेकिन
विपरीत दिशा में जाती है, एक दूसरे पर आरोपित होती है, तो अपरगामी तरंग क्या सर्वसम तरंगे क्या कर रही है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक लेफ्ट एक राइट, एक दूसरे पर आरोपित होता है अपरगामी तरंगे बनाती है, और लगभग समान आवर्ती, लेकिन एग्जैक्ट आवर्ती समान लगभग समान आवर्ती की तरंगे समान दिशा में जाती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो विस्पंद का निर्माण होता है। तो क्या कहा, आवर्ती समान, आवर्ती समान समान दिशा में जा रही है तो व्यतिकरण, फिर ये आवर्ती समान लेकिन विपरीत दिशा में जा रही है अपरगामी, और फिर आवर्ती लगभग समान तो विस्पंद वीर्स बने। अब तुम सोचो कि ये चीजें हुई, मतलब व्यतिकरण है पहले व्यतिकरण, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा है कि ये अपने अलग अलग देखी, क्योंकि समान तरंगे समान दिशा में जाती हुई देखी तो उस घटना को नाम दे दिया हमने व्यतिकरण, कि फिर विपरीत दिशा में जाते हुए देखी तो फिर कहानी और ही आई, उस कहानी को नाम दे दिया अपने अपरगामी, फिर समान दिशा में जा रही आवर्तियां थोड़ी अलग अलग थी तो उसको अपने नाम दे दिया बी, तो पहले ये घटनाएं हुई और उन घटनाओं को ऑब्जर्व करके अपन ने नाम दे दिया, ऐसा कोई बात नहीं कि बीट पहले आई और फिर अपने पढ़ा होगा इनको, नहीं जी, पहले घटनाएं हुई और उनको बस बाद में नामांकरण कर दिया, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ, तो नामांकरण में ऐसा नहीं कि अपरगामी तरंगे सर याद ही नहीं होते, अपरगामी तरंगे क्या भाई, घटनाएं थी, वो घटनाएं देखी जा रही थी, उनको नामांकरण दे दिया आपके लिए तो आसान कर दिया उन्होंने, ताकि आप अपरगामी बोलते आपको समझ में आए किस घटना की बात कर रहा है, व्यतिकरण की बात करें तो किस घटना की बात कर रहा है। तो क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक कला संबंध तरंगे समान दिशा में जाते हुए एक दूसरे पर आरोपित होते नई संयुक्त तरंग का निर्माण होता है, यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण में बेसिकली सिंपल सी चीज होती है कि ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होता है, मान लो कि एक ऊर्जा थी पूरी उसकी तरंगों की, एक तरंग और दूसरी तरंग, तो पता चला कि कहीं पे ऊर्जा ज्यादा चलेगी और कहीं पे कम चलेगी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे, जहां पे ज्यादा जाती है उसको मैक्सिमम कहते हैं, उच्चिष्ट कर देते हैं, जहां कम जाती है उसे निम्निष्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात, यहाँ पे ऊर्जाओं का पुनर्वितरण हुआ एक जगह से उठ के दूसरी जगह, तो यहाँ पे किसी टाइप की ऊर्जा खर्च नहीं हुआ, तरंगों के अध्यारोपण से ऊर्जा का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कि ये ऊर्जाओं का इधर उधर स्थानांतरण होता है। अब ये अपने को वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले चैप्टर में ऑसिलेशन में, तो वापिस पूरा डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे एक तरंग है ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी तरंग है ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, कि ताकि मैं मान लू दोनों के बीच में कलांतर फाइव, नई तरंग बनेगी वो वाई वन प्लस वाई टू, समान दिशा में है तो आपको दिशा लगाने की जरूरत नहीं है, समान दिशा में तो सीधी सीधी जुड़ जाती है, तो यहाँ पे जुड़ गई, ये तरंग आपको देखने को मिलेगी कुछ ऐसे आती है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ठीक है, कि भाई नई एक कला आ गई और नया ही आयाम, आयाम जो होगा वो देखने को मिलेगा ए वन स्क्वायर बिल्कुल कॉस फाइव, ए वन ए टू दोनों अलग अलग तरंगों का आयाम है और फाइव उनके बीच का कला अंतर, ठीक है, यदि आपको टेन थीटा निकालना है तो ऊपर ऊपर साइन और नीचे जिससे कौन निकालना उसको अकेला छोड़ दीजिए, बाकी दोनों जगह चिपका दीजिए, ये अपने काम हुआ किसका आयाम, ठीक है, तो नई तरंग का आयाम ही आएगा, यदि इस आयाम का अपन वर्क कर दें आर स्क्वायर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस, क्योंकि मुझे तीव्रता निकालनी, तीव्रता आप कहते हैं समानुपाती, वैसे तो आवर्ती पर भी होती है लेकिन कला समझता आवर्तियां तो सेम है, तो अपन इसको आई बराबर के ए स्क्वायर लिख दू, तो के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे के आर स्क्वायर के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर और फिर टू के ए वन स्क्वायर और के कॉस फाइव हो जाए, ये क्या होगी परिणामी तीव्रता आई, ये आई वन का आई वन ही रहेगा, ये आई टू टू रूट फाइव, तो तीव्रता का भी आपको फॉर्मूला पता चल गया क्या, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू
कॉस फाई। अब देखो आयाम तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं, सदिश में पढ़ा फिर उसमें पढ़ा, बार बार याद भी रहता। तीव्रता आपके लिए नया फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसमें भी मिस्टेक अपन जनरली ये कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं उसका, कि आई वन स्क्वायर दिमाग में ऐसा रहता ना कि जैसे आयाम, बट ऐसा नहीं है। तो तीव्रता जो होगी पढ़ना भी, वो आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई होगी, जहां आई वन आई टू दोनों की तीव्रताएं हैं और फाई दोनों के बीच में कलांतर है। तो इतना आपको एवरी टाइम पता रहे व्यतिकरण के। अब अपन कह देते हैं कि यदि सर्वसम होती, सर्वसम होती तो दोनों का आयाम बराबर, तो तीव्रताएं भी दोनों की बराबर होती, तो आयाम देखो क्या हो जाएगा, परिणामी ये होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कोस फाइव। तो टू ए स्क्वायर वन प्लस कोस फाइव, तो टू ए स्क्वायर कोस वन प्लस कोस फाइव कोस स्क्वायर, टू टू का रूट ए और ये कोस फाइव बाई टू, ये क्या हो गया। वैसे भी याद हो गया, दो समान परिमाण की सदिशें एक दूसरे से फाई कोण पे हो तो परिणामी टू ए कोस फाइव बाई टू। याद करो जरा अंतर क्या आया करता था, टू ए साइन फाइव बाई टू आता था, तो वही चीज यहाँ पे। चलो तो तीव्रताओं की भी बात कर ही लेते हैं अपन। तीव्रता के अंदर क्या लिखोगे, आई नॉट प्लस टू रूट आई नॉट और कॉस फाइव हो जाएगा, टू आई नॉट बाहर हो गया, वन प्लस कॉस किसमें, तो रूट आएगा ना आई नॉट का स्क्वायर का, फिर रूट आ गया, पहले स्क्वायर भी था और रूट भी था, फिर ये क्या होगा वन प्लस ए कॉस फाइव कितना टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो ये हो जाएगा फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर। वैसे भी देखो यही होना चाहिए था, क्योंकि आयाम का स्क्वायर होता, आयाम का स्क्वायर दो का स्क्वायर करोगे चार हो जाएगा, एक का स्क्वायर की जगह तीव्रता रख दी और कॉस स्क्वायर ही रह गया। तो ये चीजें आपको पढ़नी है और याद भी रखनी है। तो अब अपन याद रखते हैं मोटी मोटी चीजें ताकि आगे पढ़ सके। यदि दो तरंगे कला संबंध है समान दिशा में जा रही है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी तो व्यतिकरण कहलाएगा। व्यतिकरण का नया आयाम होगा रूट ऑफ, बिल्कुल एवन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू एवन ए टू कॉस फाइव का होल रूट हो जाएगा। बात करूं तीव्रता की तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव हो जाएगा। और यदि बात करें अपन सर्वसम की तो आयाम टू ए कॉस फाइव बाई टू और तीव्रता फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये अपने पास। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे आयाम हो चाहे तीव्रता हो, उनके मध्य कलांतर के अकॉर्डिंग, उनके मध्य कलांतर के अकॉर्डिंग नई तीव्रता और आयाम चेंज होते रहेंगे भाई। जैसे जैसे फाई बदलेगा वैसे वैसे कॉस बदलेगा, कॉस बदलेगा तो परिणामी तीव्रता भी बदलेगी और आयाम भी बदलेगा। तो अपन कहते हैं कि ये कहां से कहां तक हो सकता है, कॉस की वैल्यू वन से माइनस वन हो सकती है, वन हुई तो अधिकतम होगा और माइनस वन हुई तो, इसका मतलब उसके और उसके बीच में जैसे दो सदिश हैं उनका अधिकतम योग ए प्लस बी और कम से कम ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कहां पे कैसा क्या व्यतिकरण होगा कलांतर के हिसाब से आयाम जो है वो ए प्लस बी से ए माइनस बी के बीच में वेरी करेगा। अपन सबको तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, उनको कहेंगे उच्चस्थ तथा, और उस व्यतिकरण को नाम दे देंगे संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण। तो आ जाइए आप, तो मैं ऐसे कहूंगा व्यतिकरण क्या दो टाइप से पढ़ेंगे, कौन सा संपोषी और विनाश। संपोषी का मतलब होता है मैक्सिमम, विनाशी का मिनिमम। बताओ जरा कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, और मिनिमम माइनस वन। कॉस की यदि बात करूं तो यहाँ पे वन होता है, यहाँ माइनस वन होता है, यहाँ जीरो होता है, यहाँ माइनस जीरो, ये कॉस का फंक्शन होता है। ठीक है, माइनस जीरो और जीरो एक ही बात है, बस वो सिमेट्री से समझने के लिए वन माइनस वन जीरो माइनस जीरो, साइन में जीरो माइनस जीरो वन
माइनस वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बार बार जरूरत पड़ती है और भूल जाते हैं, दिक्कत आती है, डर लगता है कि ये कितने कोण पे होगा, तो वन माइनस वन जीरो माइनस जीरो, ठीक है। अब देखो कि वन कब आया, जीरो डिग्री पे, फिर उसके बाद में वापस घूमने के बाद टू पाई, फिर घूमने के बाद फोर पाई, सिक्स पाई, तो ऐसे करते करते टू है नहीं, पाई हो जाएगा वहीं पे। इसमें देखो पाई माइनस वन यहाँ पे आया कितने कोण पे, पाई पे, फिर एक और चक्कर लगा दो थ्री पाई, फिर फिर और ये टू एन, टू एन माइनस वन इंटू पाई हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा पथांतर की भी बात कर ले, पथांतर यहाँ पे जीरो, फिर एक और चक्कर लगा दिया, कितना तय कर चुके लेमडा, फिर एक और चक्कर टू लेमडा, थ्री लेमडा, और ऐसे करके एन लेमडा। यहाँ पे पथांतर आधा चक्कर है, तो लेमडा भाई उसमें एक और जोड़ दो, डेढ़, ढाई, साढ़े तीन और टू एन माइनस वन लेमडा भाई। तो ये अपने को देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको चीज को रटना पड़ रहा है, सिंपल सी बात है भाई, व्यतिकरण के अंदर बहुत सारी सिचुएशन बन रही है, अनंत सिचुएशन बनेंगी, लेकिन अपन सबको नहीं पढ़ पाते, दो को थोड़ा सा नाम दे दिया कि सबसे अधिकतम और सबसे अधिकतम वाले को संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे वाले को डिस्ट्रक्टिव या फिर विनाशी व्यतिकरण। उचित कब आएगा, जब कॉस की वैल्यू अधिकतम और निम्निष्ठ, तो अधिकतम वन और निम्निष्ठ माइनस वन। यहाँ पे अपन कला देखी, कला देखी, पथांतर देखा, पथांतर देखा, अब अपन आ जाते हैं किस पे, आयाम पे। आयाम ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, टू ए वन ए टू कॉस फाइव की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का साथ में रूट बी है तो ए प्लस बी, और ये क्या आ गया मैक्सिमम, तो बताओ यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा कितना, ए माइनस ए ए टू, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। चलो तीव्रता के बारे में सोचना, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव की वैल्यू, तो बताओ क्या बनेगा। देखो मैं ऐसे कर दूं, तो ऐसे कह रहे थे, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का, तो ये मैक्सिमम तीव्रता रूट आई वन प्लस रूट ए का, तो बताओ मिनिमम। मतलब ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना पता भी नहीं चलेगा कब आपको ये सब फॉर्मूले याद भी हो गया, अभी ऐसा रखते हैं तो बड़ा लगता है, बट ठीक है सिमेट्री से आ रहा है, तो ये आएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर, ये रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो सर्वसम हो तो, सर्वसम हो तो आया मैक्सिमम ए प्लस ए टू ए और मिनिमम जीरो, यहाँ पे तीव्रता मैक्सिमम और आई नॉट और मिनिमम, ठीक है ऐसा ही होने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा संपोषी संपोषी विनाशी विनाशी, कर सकते हैं। तो एक और चीज आपको जुड़ गई, ये रिजल्ट, अब आपको क्या याद रहा कि परिणामी आयाम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, या ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू। तीव्रता की बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस टू रूट I1 I2 cos phi, यदि तुम चाहते हो उचित हो संपोषी हो तो दोनों का योग हो जाएगा और निम्निष्ठ के केस में दोनों का अंतर, किसमें आयाम में बात करें तीव्रता, उचित के केस में रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर और निम्निष्ठ में रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। यदि सर्वसम है तो अधिकतम आयाम और सॉरी टू ए और तीव्रता, और यदि न्यूनतम है तो उस केस में जीरो और जीरो, कब सर्वसम के केस, ठीक है, तो याद हो जाता है। मोटी चीज आपको एक और याद रखनी है, वो पथांतर और कलांतर, संपोषी तब होता है जब वो जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा फोर लेमडा, और विनाशी तब होता है जब आधा डेढ़ ढाई साढ़े तीन, ऐसे मतलब संपोषी चलेगा और उनके बीच बीच में एक एक
विनाशित आता रहेगा, जैसे जीरो आएगा, फिर आधा आएगा, फिर एक आएगा, फिर थ्री बाई टू आएगा और फिर ये हो जाएगा। अब ये केस में संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी, संपोषी विनाशी, ठीक। तो ये आयाम हुआ, ये तीव्रता हुई, फिर उसके बाद में सर्वसम होंगे, सर्वसम होंगे, व्यतिकरण संपोषी विनाशी, संपोषी में आयाम तीव्रता, आयाम तीव्रता, सर्वसम हो तो आयाम तीव्र, आयाम तीव्रता तीव्रता, ठीक है। तो ये चीजें याद हो जाएंगी धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं कह रहा कि भिड़ते ही होगी होगी। अब इसके सवाल कैसे से बनते हैं, अब बात इस पे आएगी क्योंकि व्यतिकरण यहाँ पे खत्म हो जाता है। सवाल एक तो सबसे ज्यादा जो फेमस रहते हैं वो यही वाले कि मैक्सिमम मिनिमम का अनुपात, मतलब फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डरना नहीं है। मैक्सिमम बटा मिनिमम, मैक्सिमम तीव्रता रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, मिनिमम रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। साथ के साथ आप कहते हो कि मैक्सिमम तीव्रता जो होती है समानुपाती होती है आयाम के स्क्वायर, तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आयाम और मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है अधिकतम और न्यूनतम आयाम की, तो आयाम A1 प्लस A2 और डिवाइड बाई A1 माइनस A2, लेकिन आयाम समानुपाती रूट I, तो मैक्सिमम बटा मिनिमम, तो A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, A1 की जगह ठीक है। तो इस टाइप के सवाल बनते रहेंगे, आपको क्या कहेगा कि तीव्रताओं का अनुपात पूछेगा, देखिए और इसका आयाम का अनुपात पूछ लेगा, आयाम का अनुपात देके मैक्सिमम तीव्रता मिनिमम तीव्रता का अनुपात पूछ लेगा। तो ऐसे सवाल चलते रहेंगे, बस इसमें मोटी मोटी चीजें क्या निकालना, आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। व्यतिकरण की कोटि एक टर्मिनोलॉजी है, क्या होता है इसका मतलब कि आपका जो व्यतिकरण हो रहा है वो कितना अच्छा या कितना खराब हो रहा है, और अच्छा खराब से क्या मतलब है। अच्छा खराब से मतलब अपन ऑब्जर्व कर पाए, यदि मैक्सिमा का मतलब होता है कि आवाज तीव्रता ज्यादा, तीव्रता ज्यादा इसका मतलब प्रबलता, तो मुझे जोर से सुनाई दिया है इसका मतलब है वहां पे संपोषी, और धीमे सुनाई दिया है तो संपोषी विनाशी, संपोषी। तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि कोई साउंड स्रोत है, दो जो स्रोत है वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक साथ बज रहे हैं, बजने की वजह से क्या होंगे, उनसे ध्वनियां निकलेंगी, ध्वनियां एक दूसरे पर आधारित होंगी, उस वजह से व्यतिकरण संपोषी या विनाशी। अब मैं क्या करता हूँ, चल के यहाँ से उस कॉर्नर तक गया और मुझे यहाँ पे जोर से, फिर धीमे, फिर जोर से, फिर धीमे, फिर जोर से, फिर धीमे, ऐसी आवाज सुनाई दी, तो अब मुझे लगा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो रहा है। फिर वापस आया तब भी ऐसा ही मिला, इसका मतलब है भाई वो स्रोत तो बेचारे लगातार समान ध्वनि, मैं यहाँ खड़ा होकर देखा मुझे समान ही सुनाई दे रहा है, फिर मैं आगे बढ़ा कम, फिर खड़ा रहा कम ही सुनाई दे रहा, फिर बढ़ा ज्यादा, इसका मतलब मेरे चलने की वजह से भी नहीं और स्रोत भी कम ज्यादा नहीं कर रहे, बस ये है कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा और यहाँ पे जहां ज्यादा वहां पे शायद उनके बीच में क्या हो गया संपोषी, और जहां कम हुआ वहां विनाशी, ऐसा मुझे देखने को मिला। अब यदि उसमें उतार चढ़ाव बहुत 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 कम होते तो अपन उस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन एक है, एक बार जोर से सुना, सुनाई नहीं, जोर से सुना, जोर से सुना, तो अब ऐसे करते हैं तब ऐसा ध्यान जाता, मैं लगातार बोल रहा हूँ कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा और फिर चुप हो जाऊंगा तो बगल वाले क्लास वाले भी सोचेंगे चल क्या रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि आपके उतार चढ़ाव नहीं आते तो आपकी आवाज में, आपके जो भी बोल रहे हो उसमें कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो उतार चढ़ाव आ रहे थे, तो जितना ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेंगे इसका मतलब व्यतिकरण उतना ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप उसको अच्छे से प्रक्षित कर सकते हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो वो चेक करने का तरीका क्या है, वो चेक करने का तरीका है मैक्सिमम मिनिमम का अंतर डिवाइड बाय मैक्सिमम मिनिमम का योग गुणा 100। जैसे मैं सर्वसम में बोल देता हूँ, सर्वसम में अधिकतम 4i0 और मिनिमम 0, 4i0 प्लस गुणा, तो ये क्या हो गया 100%। इसका मतलब ये सबसे बेस्ट है और होगा भी कि सोचो एक बार जोर से आवाज सुनाई दी, एक बार सुनी नहीं,
फिर जोर से सुनी फिर सुनी नहीं, इसका मतलब आप उसको फर्क है कर पा रहे, समझ पा रहे कि कुछ तो दिक्कत है। एक ही है कि वैसे थोड़ा 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 हेर फेर आ रहा है, उसमें अपन ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अच्छा से अच्छा व्यतीकरण होगा। तो इसलिए व्यतीकरण की कोटि की व्यतीकरण कितना ऑब्जर्वेबल है या कितना नहीं है, कितना प्रेक्षित कर पाओगे या नहीं, ये है ध्वनि तरंगों की। प्रकाशीय तरंगों में क्या होगा, लाइट में क्या होगा, जहां उचित बनेगा वहां पे चमकीली धब्बा दिखाई देगा और जहां निम्निष्ठ बनेगा वहां पे काला। तो चमकीला काला, चमकीला काला, चमकीला काला, तो चमकीला और काले में आप फर्क है कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों ही चमकीले चमकीले होते हैं, थोड़ा कम एक थोड़ा ज्यादा, तो खास फर्क है। इसलिए अपन कहते हैं व्यतीकरण की कोटि से मतलब है कि व्यतीकरण कितना प्रेक्षित करने लायक है कितना नहीं। ठीक, अब अपने पास जैसे कला समन में तो आपको समझ में आ गई कि उनके बीच का कलांतर क्या होता है, समान होता है, फिक्स होता है। तो दो ध्वनि मेरे पास आ रही है, मेरे पास पहुंचेंगी तो दोनों समान समान पथ तय करके आ रही है, उनके पथांतर समान है तो कलांतर भी। मैं यहाँ बैठा बैठा सुन रहा हूँ, दिन भर मेरे को आवाज जो है लाउडनेस वो समान सुनाई देगी, वहां जाके सुना वहां पे चाहे कम हो सकती है लेकिन वो हमेशा कम ही सुनाई देगी, वहां पे फिर से ज्यादा ही सुनाई देगी। ये हुआ किसमें, कला समन कर्म। लेकिन अब की बार मेरे पास दो ध्वनियां आ रही है, दोनों में कलांतर समय के साथ परिवर्तित, कभी ज्यादा कभी कम, मतलब पता ही नहीं कि वो कम ज्यादा होती रहती है। तो मैं ऐसे कहूंगा कि मेरे को एक तीव्रता फिक्स नहीं है, यहां से यहां कुछ भी सुनाई दे रही है, तो ऐसे केस में मुझे कितनी सुनाई दे रही है वो कैसे निकालूंगा, औसत से, कि भाई कभी मेरे को तीन सुनाई दी, कभी पांच, कभी दो, एक, तो मुझे ओवरऑल सुनाई कितनी दे रही है, तो मैं क्या कर दूंगा उसका औसत निकाल दूंगा। क्यों, क्योंकि एक समय के साथ वो कलांतर चेंज हो रहा है, कलांतर की वजह से तीव्रता भी चेंज हो रही है, तो तीव्रता फिक्स नहीं है, तो फिर क्या करूं मैं, औसत। तो यदि कला असमन तरंगे तो परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता कैसे निकालेंगे, औसत। तो औसत तो निकालने में कौन सी है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, कॉस फाइव का औसत जीरो, तो क्या बन गया, इसका मतलब दोनों तीव्रताओं का योग ही क्या होगा मेरे लिए, औसत तीव्रता। ठीक, अब थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आपने कहा कि कला संबंध है तो आपके औसत आ रहा है I1 प्लस ही। तो सवाल आता है कि जब संपोषी व्यतीकरण हुआ तो मैक्सिमम दिखाई दी आपको I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है, cos phi की अपनी वैल्यू, और ये मिनिमम I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो ये आपको तीव्रता है, ये अधिकतम और ये न्यूनतम, तो सवाल तो बनता ही है कि आपके यहाँ पे सर औसत आई I1 प्लस I2, वहां पे अधिकतम सुनाई दी या न्यूनतम, इसका मतलब अधिकतम वाली कहीं से उसको ऊर्जा मिली है और न्यूनतम वाली ऊर्जा बेचारे की खत्म हो गई। इनकी औसत निकाल के और चेक कर लूं मैं, प्लस मिनिमम डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर टू I1 प्लस 2 क्या चीज देखने को मिली, चाहे वो कला संबंध हो चाहे कला औसत, तो बात ये थी कि औसत समान आ रहा है, तो जब कला संबंध तरंगे थी कहीं पे तीव्रता ज्यादा और कहीं पे कम मिल रही है, वो केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण है, ना कि वहां पे ऊर्जा खर्च होगी और वहां पे ऊर्जा आ गई। हुआ ये कि जहां पे आपको कम सुनाई दे रही है वहां वाली ऊर्जा ज्यादा वाले के पास शिफ्ट होगी, और इस हिसाब से ऊर्जा का क्या हो रहा है यहाँ पे, पुनर्वितरण हो रहा है, इस वजह से कहीं पे आपको ऊर्जा ज्यादा तो तेज सुनाई देता है और कहीं पे ऊर्जा कम तो मंद सुनाई देता है। ठीक है, मतलब व्यतीकरण में किसी टाइप की ऊर्जा हानि, ऊर्जा यहाँ पे भी संरक्षित रहती, तो इस चीज से आपको पता चलना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, बस कला संबंध और कला संबंध व्यतीकरण हमेशा हो रहा था, ऐसे जरूरी नहीं है कि कला संबंध होगा तो ही व्यतिकरण होगा, लेकिन कला संबंध के केस में आप उसको प्रक्षित कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे थे, और कला संबंध में तो ऑब्जर्व क्यों, क्योंकि सभी जगह औसत क्या मिल रहा था, समान ही मिल रहा था, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, तो कैसे पता चलेगा। तो कला सॉरी व्यतिकरण के लिए कैसे तरंगे लेते हैं फिर अपन, कला संबंध, ताकि अपन ज्यादा
प्रेक्षित कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए। सवाल है, एन सर्वसम तरंगे एक साथ अध्यारोपित हो तो परिणामी तीव्रता क्या हो? कब? जब कला संबंध है, कला संबंध है तो दो के केस में देखा आपने रूट आई नॉट प्लस का ये आया था मैक्सिमम, तो दोनों को जोड़ा दो का स्क्वायर चार आई नॉट, और मिनिमम रूट आई नॉट माइनस तो दो थी तो देखो चार आ गया, तीन होंगी तो नौ आ जाएगा, चार होंगी तो सोलह आ जाएगा, पांच होंगी तो पच्चीस आ जाएगा, एन होगा तो एन स्क्वायर, तो सर्व संबंध तो ये क्या होगा एन स्क्वायर टाइम होगा, मिनिमम कला असंबंध होगी तो आपने देखा सभी का योग तो आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई एन आई हो जाएगा, और ये सभी जगह समान ही रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे प्रेक्षित तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ कर पाएंगे एक बार ज्यादा एक बार कम, एक बार ज्यादा एक बार कम, ठीक है। तो आपको कह दिया जाए कि कला संबंध है तब तो आप संपोष्य विना से लगाएंगे, अदरवाइज हमेशा ही समान ही तीव्रता रहेगी, तो आप वैसे केस में केवल क्या निकाल सकते हो औसत निकाल सकते हो। तो ये व्यतिकरण और उसमें क्या क्या बन सकता है। अब आता है कि सर प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे इस, मतलब हमें ऑब्जर्व करना है लैब के अंदर, हमें देखना है कि व्यतिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि डेली लाइफ में तो इतना ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा होता है। दिक्कत ये आ रही है कि कला संबंध स्रोत नहीं होते, मतलब कला संबंध स्रोत होंगे तो आपको ऐसा सुनाई देगा, अदरवाइज नहीं सुना। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और ये एक्सपेरिमेंट आप भी लैब में कर सकते हो। मेरे पास एक ट्यूब है, इसमें दो रास्ते, एक ये है और ये आगे जाके फिर रास्ता फट गया और ये वापस है। यहाँ पे मैं कोई भी ध्वनि स्रोत लगाया, ट्यूनिंग फोक वगैरह लगाया, ट्यूनिंग फोक जस्ट लाइक चिमटा होती है, उसको जैसे चिमटे को बजाते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बजती है ध्वनि क्रिएट करती, ध्वनि क्रिएट की और उसका एक रास्ता ये मिला सीधी 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 यहाँ पे चली गई, और दूसरा रास्ता मिला ये तरंग वन और ये तरंग वन, क्या समान समान दूरी तय की? किसने ज्यादा की? टू वाले ने। अब देखो यहाँ और यहाँ तो कुछ अंतर आया ही नहीं, ऐसे केस में इसने चली 2R और उस वाली ने पाई आर, तो पथांतर कितने का आ गया? पाई आर माइनस आ गया पथांतर। पथांतर यदि 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा आता है तब तो संपोषी, और ऐसे केस में ध्वनि तेज सुनाई देगी आपको, लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 तो बहुत ही धीमी सुनाई देगी। अब उसको सुनने के लिए या तो अपन कान लगाएं या कोई अच्छा सा डिटेक्टर लगाएं, क्योंकि कान में दिक्कत यह है कि अपन थोड़ा बहुत जो सेंसेशन ऊपर नीचे होता है वो खास फर्क नहीं समझ पाते, अपन तगड़ा परिवर्तन आएगा तो ही समझ पाते हैं, या डिटेक्टर लगाएं। अब डिटेक्टर के लिए फिर से थोड़ा सा खर्चा होगा, लैब में करने में जोर आएगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक मोमबत्ती वगैरह रख देते हैं। आप बताओ ये मोमबत्ती से क्या होगा और क्या नहीं होगा? हाँ क्या होगा? तो ये जो अपने पास फ्लेम जो होता है, लो जो होता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? फड़फड़ाहट देखने को मिलेगी यदि आपके उतार चढ़ाव आएंगे। मान लो कि लगातार सामान आ रहा है, मोमबत्ती मैंने ऐसे रखी, ऐसे फूंक देते हैं, तो उस केस में तो वो लो क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसके सामने खड़ा होकर सांस ले रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, तो अभी बोल रहा हूँ, तो उस केस में तेज हवा निकली तो फड़फड़ाई, फिर चुप होगी, फिर फड़फड़ाई चुप होगी। तो ऐसे केस में यदि हड़बड़ाहट देखने को मिलता है तो पता चला कि तीव्रता में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और लगातार वो लो टेढ़ी हो जाती है, इसका मतलब लगातार उधर से हवा आ रही है, तो ऐसे ही यहाँ होगा। तो फड़फड़ाहट करती है, इसका मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उतार चढ़ाव किस वजह से आ रहे हैं? कभी संपोषी और कभी विनाशी। तो अब सोचना तो पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि भाई इस नाली से इधर से होके हवा आ रही थी, और ये हवा में कमी वर्दी हो रही है, क्योंकि वहां पे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, संपीड़न विलयन चलता है, संपीड़न विलयन की वजह से यहाँ पे दबाव में कमी वर्दी होती है, दबाव में वर्दी होगी तो लो राइट साइड में, दबाव में कमी होगी तो वापिस इधर आ जाएगी, और यह फड़फड़ाहट किसकी वजह से होता है? व्यतिकरण। ये केवल आप ऑब्जर्व कर पाते हैं,
यदि आप लाउडनेस वगैरह चेक करते हैं तो फिर आपको चाहिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, कोई भी यंत्र चाहिए जिससे आप जज करेंगे कि लाउडनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। बताओ संपौसी कराना तो क्या कर दूं, एन लेमडा, और विनाशी कराना है तो एन माइनस वन लेमडा बाई टू कर। ये था आपका पूरा व्यतिकरण। चलो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपन, और तुम बताना। मेरे पास क्या है, दो स्रोत है, ध्वनि स्रोत एक S1 है और दूसरा ये इसका मध्य बिंदु है, दोनों के बीच के तरंग दैर्ध्य का दो गुना अंतर है, पर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तरंग दैर्ध्य का डबल है। अब मेरे पास एक डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर है, और डिटेक्टर क्या कर रहा है, इस वर्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है। वो एक चक्कर लगा देता है तो आपको भी पता है इन दोनों ध्वनि स्रोतों से जो निकली हुई तरंगे उनके बीच में दूरी, देखो जैसे यहाँ पे ये दूरी तय की और यहाँ पे ये तय की, बताओ यहाँ पे दूरी तय की दोनों ने समान समान, ऐसे वाले केस में किसने ज्यादा कर दी, एस वन ने ज्यादा कर दी, ऐसे वाले केस में कितनी ज्यादा कर दी, कितनी ज्यादा, टू लैम्डा ज्यादा कर दी। तो आपको पता चल रहा है हर जगह पथ में अंतर होगा, पथांतर की वजह से क्या होगा, व्यतिकरण होगा, दोनों कला समान स्रोत है तो व्यतिकरण होगा, व्यतिकरण होने से कभी भी उचित और कभी। तो मेरा कहना है कि डिटेक्टर जब एक चक्कर लगा देता है तो कितने तो उसको उचित सुनाई देंगे और कितनी बार निम्न सुनाई देगा। अब पॉइंट आ जाता है कि सर ये कैसे चेक करेंगे, उचित के लिए आपको पथांतर जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा ऐसे मिलते हैं उचिष्ट, और बीच वाले लेमडा बाय टू थ्री लेमडा बाय टू निम्निष्ट। करिएगा पहले आप ही के भरोसे, फिर नहीं करोगे तो एक हिंट और दूंगा। Thank you.
चार तो गलत आ रहे हैं, आठ आ रहे हैं, छह आ रहे हैं, तो देखो इस वाले पॉइंट पे बताओ दोनों पथांतर, और इस बिंदु पे पथांतर जीरो, समान समान चल के जा रही है जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये टू लैम्डा, ये जीरो, ये टू लैम्डा और ये, अब सोचो कि ये जीरो फिर ये कम बढ़ता 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 फाइनली कितना बड़ा, तो जीरो से सीधा तो टू लैम्डा बढ़ेगा नहीं, बीच बीच में और भी आए होंगे, तो उसमें बीच में लैम्डा भी आया होगा, और उसके बीच में, और उसके बीच में फिर ये जीरो से सीधा लैम्डा नहीं आया होगा, टू लैम्डा नहीं, लैम्डा फिर 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, सेम कहानी, जीरो से टू लैम्डा तो आने से रहा, लैम्डा 1.5 लैम्डा, 5 लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा 0.5 लैम्डा, 1.8। तो आपको ऐसे नहीं कि इसके बीच में और नहीं आए होंगे, अपने को तो केवल क्या क्या देखने, उचिष्ट और निम्निष्ट, एक उचिष्ट, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ तो उचिष्ट है और उन्हीं के बीच में आठ ही निम्निष्ट है, तो आठ बार उसको वो जोर से आवाज सुनाई देगी और आठ बार धीमी आवाज सुनाई देगी, ये कब है, जब दोनों स्रोत है कला संबंध, बीच की दूरी कम ज्यादा होती रह सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक और आप करिएगा जरा, ये एक स्रोत है, ये दूसरा स्रोत है, बीच की दूरी है टू लैम्डा, और इसके लंबवत एक स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, स्क्रीन पे एक डिटेक्टर है जो नीचे से चलता है, और डिटेक्टर चलता 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 ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये अनंत से ऐसे यहाँ तक, तो कह रहा है कि ये डिटेक्टर जब जाएगा तो हर जगह देखो दोनों के पथांतर आएगा, पथांतर आएगा तो व्यतिकरण होगा, कहीं संपोषी और कहीं, तो बताइए जब डिटेक्टर यहां से ऊपर तक जाएगा तो बताओ कितनी बार उसको मैक्सिमा और कितनी बार मिनिमा सुनने को मिलेगी, अनंत मिलेंगे, तीन मिलेंगे, इतना परेशान कैसे हो रखा है, लगा तो बाकी पता नहीं, तुम सोच रहे हो किसको बोल रहा है, सोचते रहो, जिसको बोला उसको तो पता ही है, वीडियो बनो, अरे सोया सोया क्यों लग रहा है तू, दुखी है तू भी, क्या हो गया तेरे, बात भी पकड़ के रखता है, जेवड़ों का दे तो की बात करेंगे, गाय बकरी की तो बात कर रहा होगा, तो मेरे तो कहां पता, वो कह रहा बाकी मैंने तेरे से पूछा तो बता नहीं रहा, दुखी तो मुझे भी लग रहा है, तेरे को पता है परेशान कहते, पता नहीं, तो यहाँ डिटेक्टर जाएगा, देखो अनंत पे पहुंचेंगे दोनों बराबर बराबर दूरी तय करके जाएंगे, तो अनंत पे पथांतर जीरो, ऊपर वाले अनंत पे भी, यहाँ की बात करूँ तो टू लैम्डा, अब आपको भी पता है टू लैम्डा से सीधा तो जीरो, बीच में क्या होगा लैम्डा और इधर भी बीच में, अब ये एक उचिष्ट, दो उचिष्ट और ये तीन उचिष्ट, अब लग रहा है जीरो जीरो वाले चार और पांच होंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ तीन ही होंगे, जवाब बता दो तीन ही क्यों लेंगे, हाँ अनंत पे क्यों नहीं,
नहीं क्यों नहीं काउंट करेंगे उनको? तो बात यह कि अनंत आपको काफी दूरी जाके मिलेगा। अनंत का मतलब वास्तव में यह नहीं होता कि सच में अनंत होता है, अनंत का मतलब काफी दूर होता है। तो वहां पे मिलेगा तो सही, लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी दूर जाते 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 तीव्रता बहुत ही कम हो जाएगी। तीव्रता क्या होती है, जैसे बिंदु स्रोत की वजह से आई व्यक्त करवा पाती आर स्क्वायर, तो तीव्रता ही कम हो जाएगी। तो वहां पे आपको परिणामी तीव्रता में कोई खास दिखाई नहीं देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे चमकीली मतलब जोर से आवाज आई भी है कि नहीं। तो केवल ये तीन मैक्सिमा होंगे और बीच में एक दो तीन चार मिनिमा हो जाएंगे, मतलब निम्निष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जितने मर्जी बना लीजिएगा। जैसे एक कमरा है, यहाँ पे एक स्पीकर है, ये एक रिफ्लेक्टिंग दीवार है, यहाँ पे तो कान है, ये यहाँ पहुंची, एक ऐसे गई टकराई और फिर पहुंची, तो दो एक ही स्रोत से दो ध्वनियां पहुंची, दोनों समान दूरी तय करके गई है, क्या अलग अलग? ऊपर वाली दूरी ज्यादा तय की, पथांतर है तो व्यतिकरण होगा, संपोषी भी या विनाशी भी हो सकता है, उसको उचित सुनाई दे उसको निम्न सुनाई दे। आपसे पूछा जा रहा है उचिष्ट है तो क्या होगा, तो दोनों का पथांतर उचिष्ट है तो एल लेमडा कर दो, निम्निष्ट है तो 2n-1λ/2 कर दो। ये बात हुई अपनी व्यतिकरण की। चलो सवाल है कुछ, दो परिगामी ज्यावक्र, ज्यावक्र किसे बोलते हैं? साइन को ज्या बोलते हैं, कोस को कोस ज्या बोलते हैं और टेन को स्पर्श ज्या कहते हैं। तो दो ज्यावक्रीय तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, तो परिणामी तरंग कौन सी होगी? सी या डी क्या होता है? या तो सी या डी, थर्ड होगा, रूट थ्री आएगा। ये तो पता चल गया, रूट थ्री तो बी का भी है और सी का भी है। सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, सेकंड ही आएगा। ले भाई, इसने कह दिया सेकंड ही आएगा, सब झूठे हैं। कार देखते हैं इसकी वाणी सच्चा है गलत है। एक तो ना ये सारे थोड़े से ढंग से किया करो तुम, एक तो ना तुम्हारे कुछ ही मीनिंग निकलते हैं। हाँ रहने दे, बताओ और कि कैसे कर रहा था तुम। मान लिया हमने तो सही था, हम ही गलत हैं। हाँ हमारी सोच गलत, हम तो कह रहे हैं मान रहे हैं, लेकिन कितनों को गलत ठहराओगे जनाब? हाँ ये मानना पड़ेगा तुम्हें। आया क्या? और मैं कह दूं कि आंसर है थर्ड है, ना होके सेकंड भी ना होके बी ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे बोले तो सेकंड ऑप्शन है। तो बालिका सही थी और मेरे हिसाब से बालिकाएं सही थी, तेरा भी था क्या आंसर? तो बालिकाएं सही थी भाई, बालक तो गलत ही थी। तो आंसर इसका सेकंड, आप देखते हैं कैसे। तो या तो आप अध्यारोपित कराइए या सिंपल सी चीज है, इसको सदिशों की तरह सोच लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कैसे कि भाई ये साइन का फलन है और इसमें कुछ जुड़ रहा है और इसमें कुछ घट रहा है, तो ये आपके पास नॉर्मली एक तरंग, उसमें कुछ जुड़ेगा तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर, और घटेगा तो नीचे आएगी। ऊपर जुड़ा तो ये कितना 30 डिग्री, और नीचे वाला भी, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि प्लस 30 डिग्री और माइनस 30 हो जाएगा। ये कौन था? ए आयाम, और ये कौन था? ए आयाम।
समान समान कौन पे है तो परिणामी तो इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे 60 डिग्री पे है तो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा परिणामी और बीचों बीच में परिणामी 60 डिग्री पे होता तो रूट है 3 टाइम्स हो जाएगा ये आपका कौन हो गया आयाम परिणामी हो गया और आप दूसरा की बात करो तो इससे 30 डिग्री पीछे और 30 डिग्री मतलब बिल्कुल बीच में तो ये कौन होगा साइन का हो गया तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा ठीक है या फिर आप क्या कर सकते हो इसके घटक करते तो अभी ऊर्ध्वाधर वाले कैंसिल हो जाते केवल क्या बचते क्षैतिज वाले तो इसको ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते थे अब कईयों का रूट थ्री तो बहुत सारों का आ ही गया था कैसे पता चला भाई दोनों तरंगों के बीच में कलांतर 60 डिग्री का और 60 डिग्री का तो समान समान था तो रूट है 3 टाइम्स तो रूट 3 टाइम्स ये दो ही बने थे अब बात आती है कला की अब वैसे भी सोचते हैं कि ये जो तरंग आएगी दोनों के बीच में आएगी ये तो कह रहा है कि इससे भी 30 डिग्री नीचे आ रहा है मतलब इधर आ रहा है इधर कैसे आ सकते हैं दोनों का परिणामी तो बीच में आएगा और यहाँ तो बिल्कुल बराबर बराबर है तो बिल्कुल बीच में आएगा ठीक है अगला सवाल देखिए जाए दो तरंगों का आयाम a नॉट तथा x a नॉट है जहां x बराबर x एक से बड़ा है मतलब दूसरे का आयाम ज्यादा है यदि दोनों को एक साथ अध्यारोपित किया जाता है तो उनके अधिकतम तथा न्यूनतम आयाम का अंतर क्या होगा मतलब मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे तो बताओ मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर क्या होगा तुमने रात को टाइमर लगा के कॉल मैसेज किया था कह रहे मेरे को पता चला है ना टाइमर लगा इसने क्या क्योंकि काफी सारे आए तो एग्जैक्ट 0:00 तो यार बड़े सरप्राइज कर रहे हैं तो इतना एक साथ ही कैसे टुल 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 फिर मैंने ऐसे किसी से पूछा तो ऐसे कहा कि सर हमने वो कर दिया था शेड्यूल कर दिया था हमने तो वरना ठीक है लेकिन एग्जैक्ट 0:00 पे कैसे आ सकता है किसी पास तो इसका मतलब मैसेज तो पहले आ चुका था मुझे दिखाया उसने 0:00 पे मैं ऐसे बतला के ये कोई तरीका थोड़ी हो सकता है कि ऐसे कैसे पता चलेगा किसी को तो ऐसा भी ऑप्शन आता चलो ये भी हमें पता चला है मुझे ऐसे नहीं पता था शेड्यूल वाला ऑप्शन भी आता है तो इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 दिन बाद में उसको लिखना है फिर ऐसा भी कर दो 1 मिनट बाद में डिलीट भी हो जाए ऐसा कर दूं किसी को कुछ सुनाना हो भजन पहले तो उसको लिख दो फिर ऐसे कह दो उसको पढ़ते ही डिलीट हो जाए वाह निशान तो तुमसे तेज निकला इसने तो 0:00 होने ही नहीं दिया पे ही गजब है चलो तुम्हारा तो आ गया होगा मैक्सिमम दोनों को और मिनिमम और अगले ने पूछ लिया तो कितना x a नॉट प्लस a नॉट माइनस तुम्हें ऐसे नहीं करना होगा तो ये गया तो हाँ तो तुम ऐसे नहीं कि ऐसे धीरे धीरे ऐसे कर रहे हो बस वो मेरे को तो सॉल्यूशन लिखना था बाकी आपको देखते ही कि हाँ इसमें से जाएगा तो ये कट जाएंगे ये बच जाएगी
ठीक है, तो इस पेज पे सवालों के नाम पे चाहिए। आवा तो अब एक चीज हो गई है, एक चीज हो गई है कि व्यतिकरण आपका अध्यारोपण का खत्म हुआ कि व्यतिकरण में कैसे था। अगली जो चीज आएगी वो आएगी अपनी क्या आएगा, अपरगामी तरंगें। लेकिन अपरगामी तरंगों से पहले आपको परावर्तन अपवर्तन के बारे में बताना जरूरी है। तो जान रहे हो ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट है जिनको नहीं जानते या टाइम भूल जाते वो याद कराऊंगा। तरंग परावर्तन का मतलब क्या है, तरंग जाती है टकरा के वापस के लौट आने की घटना परावर्तन कहलाती है और अगले वाले माध्यम में गुजर जाने को अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश तरंगों का आपने परावर्तन अपवर्तन दोनों पढ़े हैं, उसको किरण मान के भी पढ़े हैं और उसको तरंग मान के भी पढ़े हैं। इसके अंदर इनका क्या मतलब है क्या नहीं है, प्रकाश किरण ये प्रकाश किरण आती है टकरा के वापस लौट जाती है और कुछ हिस्सा उसका अगले वाले माध्यम में लौट जाता मतलब चला जाता है। तो ये जो है वो आपतित है, ये परावर्तित है और ये ट्रांसमिटेड मतलब पारगमित है, ये पारगमित है, ये परावर्तित है और ये आपतित है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड, एफ बोले तो आवर्ती, वी बोले तो वेग, लैम्डा बोले तरंग दैर्ध्य, आई बोले तीव्रता, ए बोले आयाम और फाई बोले कला। तो अपन ने क्या भेजा कि पहले एक तरंग भेजी जिसकी आवृत्ति एफ, वेग वी, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, आई तीव्रता, ए आयाम और फाई उसकी कला थी। अब ये यहां से टकराती और लौट के वापस आती है, एफ में कोई परिवर्तन नहीं, वेग में परिवर्तन नहीं, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं, इनमें परिवर्तन आया और इसमें आएगा भी नहीं भी आएगा। तो क्या बात है, आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, स्रोत पर निर्भर करती है। यदि स्रोत नहीं बदल रहा तो आवृत्ति नहीं बदले रहेगी। वेग की बात करूं तो वो माध्यम पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य माध्यम और आवर्ती दोनों पर ही निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या आती है, वी बराबर आपने याद कर रखा होगा, लैम्डा एफ तो लैम्डा बराबर वी बाई एफ, तो माध्यम और आवर्ती तो माध्यम और स्रोत दोनों पे निर्भर करेगी। तो मैंने क्या देखा कि आपके ये तो अपरिवर्तित रहेगी रहेगी, वेग माध्यम समान है तो अपरिवर्तित, तरंग दैर्ध्य भी, तीव्रता एक तरह की ऊर्जा है तो अपने जो भेजी थी ऊर्जा कुछ लौट के आ गई, कुछ अगले माध्यम में चली गई, इसका मतलब ऊर्जा में तो परिवर्तन आया ही है, तो ये तीव्रता होगी, ये आयाम, तीव्रता बदली है तो आयाम भी बदलेगा, कला बदलेगी या नहीं बदलेगी अभी बताता हूं। माध्यम बदलने से आवर्ती अपरिवर्तित, वेग बदला, तरंग दैर्ध्य बदली, तीव्रता बदली, आयाम बदला, लेकिन कला नहीं बदलेगी। मतलब अपवर्तन से तो कला में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपवर्तन होने से कला क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या रहती है, अपरिवर्तित। लेकिन परावर्तन में कला में चेंज आता भी और नहीं भी आती। जब अपन बात करते थे प्रकाश तरंगों की तो वहां कहते थे कि यदि यदि सघन माध्यम से टकरा के वापिस आती है, सघन माध्यम से टकरा के वापिस आती है तो कलांतर आता है पाई का, अन्यथा कोई कलांतर नहीं आता। लेकिन यहां अपन ये लाइन नहीं बोलेंगे क्योंकि दो टाइप के तरंगे होने वाले हैं, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ। तो मैं क्या बोलूंगा, यदि अगले वाले माध्यम में चाल बढ़ जाए तो कला में कोई परिवर्तन, और चाल घट जाए तो कला पाई से चेंज हो जाती। यदि स्पीड कम हो तो फेज बढ़ा दो, मतलब आपको अगले माध्यम में लग रहा है कि स्पीड कम होगी तो फेज बढ़ा दो, और बढ़ेगी तो कोई चेंज ही नहीं करना। चेंज आएगा तो कितने का आएगा, पाई का। कब, जब अगले माध्यम में चाल कम हो रही, चाल चाल कम हो रही, प्रकाश तरंग सघन माध्यम में जाती है तो चाल कम हो जाती है, इसलिए परावर्तित में कलांतर आ जाता है पाई। जैसे सघन माध्यम में जाती है तो चाल बढ़ जाती है, जैसे ठोस में चाल ज्यादा होती है किससे, लिक्विड, तो ध्वनि तरंग अगले माध्यम में जाती है तो चाल बढ़ जाती है, इस वजह से कलांतर नहीं आएगा। लेकिन विरल माध्यम में जाती है तो
चाल घट जाती है, इस वजह से कलांतर आता है पाई का। इसीलिए पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, बाकी इस पेज पे आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। मतलब धावनी तरंगे अनुदैर्ध्य और प्रकाश तरंगे अंत। आज तक तुमने परावर्तन तथा अपवर्तन जो पढ़ा वो किसका पढ़ा है? प्रकाश तरंग। आज आपको अनुदैर्ध्य के भी पढ़ाएंगे और अनुदैर्ध्य का परावर्तन अपन उससे ठीक है उल्टा करना बस, मतलब जो वैसे समझ में आता था उससे ठीक उल्टा। कलांतर तब आएगा इसमें, यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब वहां सघन से टकराने से आता था, यहाँ सघन से टकराने से नहीं आएगा। तो आते हैं फिर अनुप्रस्थ तरंगों का। अनुप्रस्थ तरंगों में कोई दिक्कत नहीं है, विरल माध्यम से आई, वापस लौट के आ गई और सघन में चली गई। सघन में गई तो स्पीड कम होगी और ये अभिलंब की और चली जाती और इसमें कोई कलांतर, लेकिन सघन से टकरा के आ रही है तो इसमें कलांतर कितने का? पाई का। अनुप्रस्थ तरंगे विरल में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है और अभिलंब से थोड़ी दूर चली जाती है, इसमें कोई कलांतर? विरल से आई है तो इसमें भी कलांतर। धावनी तरंगों का ठीक है उल्टा। सघन में जाने से चाल बढ़ जाती है, वो अभिलंब की ओर जाती थी, अभिलंब से दूर जाएगी। विरल में जाने से वो चाल कम हो जाती है, लेकिन यहाँ चाल वापिस, विरल में जाने से उसकी चाल और ध्वनि तरंग की चाल कम हो जाएगी, वह विलंब से दूर जाती थी, विलंब की पास आएगी। ये विरल से परावर्तित हो रही है तो कलांतर आएगा, जबकि प्रकाश तरंगों में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा का काम हो जाएगा, बाकी का व्यक्त उसमें स्नेल का नियम भी उल्टा लगता है, वहां लगता था म्यू वन साइन आई, मतलब म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू, लेकिन यहां म्यू टू साइन आई बराबर उल्टा लगता है उससे। ठीक, वही कहानी है, सिंपल से सोचो कि यहां पे सघन में जा रही है, सघन में जा रही है तो म्यू बढ़ गया कम हो गया? म्यू, अरे भाई सघन में जा रही है तो म्यू बढ़ गया, आ रही तो एक बड़ा तो दूसरा, इसका मतलब बैलेंस हो जाएगा। इसमें कहानी देखना, जैसे ही वो क्या करती है, सघन में जाती है तो म्यू, मतलब इसके हिसाब से चलते तो म्यू बढ़ेगा, आर भी बढ़ा तो साइन भी, दोनों बढ़ गए तो पहले के बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब है कहानी ठीक उल्टी करनी पड़ेगी। तो इसमें हो रहा है, जैसे ही अगले माध्यम में गए, अगले माध्यम में गए तो म्यू सघन है तो म्यू बढ़ गया, लेकिन आपने देखा था कि इधर आर बढ़ गया तो इधर ही साइन आर बढ़ गया, तो एक में म्यू बढ़ा और एक में, तो आपस में बैलेंस हो गए। तो कहानी यह है कि ध्वनि तरंगों की जो कहानी है लाइट से ठीक है उल्टी होती। दृढ़ सिरे से परावर्तन, दृढ़ सिरे से फिक्स सिरा होता है उससे परावर्तन होता है तो वो लौट के वापस आ जाती है और कलांतर आ जाता है पाई का, क्योंकि अगला माध्यम सघन मान के चल रहे हैं क्योंकि दृढ़ है। तो ये ऐसे गई लौट के वापस आएगी, जाते टाइम माइनस के एक्स था तो आते टाइम क्यों दिशा बदल गई, पहले इतना ही था अब कलांतर में भी चेंज आया, कितनी कला जुड़ गई पाई। साइन 180 प्लस थीटा होता तो तीसरे में माइनस साइन थीटा आ जाता। चलो मुख सिरे से गई, कोई कलांतर नहीं आएगा, तो पस दिखाने का तरीका ऊपर थी, ये कलांतर आने से नीचे होगी, ये ऊपर थी अभी भी दिशा बदली है लेकिन कला में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या कहोगे, सघन माध्यम से टकरा के वापिस आ रही है तो पाई का कलांतर आएगा, किसमें? अनुप्रस्थ। और रस्सी कैसी है? अनुप्रस्थ। विरल से टकरा के आएगी तो किसी टाइप का कलांतर नहीं आएगा, जो पारगमित होती है उसमें तो कलांतर होता ही नहीं। तो क्वेश्चन है बताना कैसे से तरंग बनेगी, एक तरंग थी मैं ऐसे भेजी, आगे मोटी रस्सी है ऐसे भेज रहा था, तो ऐसे भेजूंगा तो इसकी ऊर्जा कुछ अगले वाले में जाएगी और कुछ लौट के वापिस आ जाएगी, तो आपको बताना है कि डायग्राम कैसा बनेगा अगला। Thank you.
परावर्तन के पश्चात कैसा डायग्राम बनेगा, मतलब ये पल्स है ऊपर रहेगी नीचे रहेगी लेफ्ट में जाएगी राइट में जाएगी नीचे लेफ्ट में, ये तो श्योर है लौट के तो आएगी और सघन से परावर्तित हो रही है तो लौट के भी विपरीत कला में आएगी, इसका मतलब नीचे आ जाएगी। अगले वाली में क्या होगा, ऐसे रहेगी, ये वापस आएगी और ये आगे चली जाएगी क्योंकि अपवर्तन में किसी टाइप का कलांतर नहीं आएगा। चलो मैं एक और भेजता हूं, पहले मोटी रस्सी आगे वाली पतली रस्सी, क्या होगा परावर्तित होके आएगी तो सही और आगे भी पारगमित होगी लेकिन सिचुएशन क्या होनी है वो रस्सियां बना दीजिएगा। पहले वाली रस्सी मोटे वाली पल्स तो ऐसे रहेगी लेकिन दिशा पीछे हो जाएगी, ये ऐसे जा रही होगी और अगले वाली, तो यही आपके यहाँ पे सवाल बनते हैं, यही आपके क्वेश्चन हो गए। तो एक तो समीकरण लिखनी आनी चाहिए कि परावर्तित हो रही है तो दिशा बदलेगी और के साथ साथ सघन से परावर्तित हो रही है या विरल से हो रही है उसी हिसाब से उसमें कलांतर भी आएगा। यह था तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन। पानी सूख गया है, मुंह से पानी सूख गया, अब तो ऐसे लार में नहीं ऐसे चिपकती चिपकती, देखो थूक ही नहीं आएगा, करके दिखाऊं इतना तो आ जाएगा तेरा मुंह तो ऐसे देख, मैं ऐसे है ना पानी, ये कैसी वाली है पानी लेके और उसको मुंह लगाए पीने की, अब मांग के दिखा दे, वो मांग थोड़ी रहा था मैं तो बस बता रहा था, हाँ शायद यही सोची कि मांग लेते तो इसमें ये मिला के लाते हो कि सोची होगी इसको पता चल जाएगा है ग्लूकोज डाल के लाती उसमें तो, अब तुम मुंह नहीं लगाती तो तू ऐसे बोल भी देती तो मैं पी लेता, पहले ऐसे मुंह लगाया जानबूझ के और फिर वो भी ऐसे जीभ एक नॉर्मली लोग ऐसे पीते हैं, इसने जीभ और नीचे वाले होंठ के बीच में बोतल डाली ऐसे और फिर पिया है, तो मैं बोतल जैसे उठाई तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ऐसे पूछेगी पियोगे तो ऐसे बेचारा प्यास से खोए वाली हालत और की थी, मैं तो मुझे क्या पता कि वो तो ये तो कम से कम ऐसे वो तो दोनों होठ उसके अंदर डालता है फिर ऐसे पीता है, है? मैंने कहा कि नहीं पीना, देखा अब वाली बोतल सही आ रही है, इतनी महंगी बोतल है छुट्टी तो कर ही देता होगा, तो ये तो ऐसा लगता है कि नेशनल हैंडलूम से लाया तुम, नेशनल हैंडलूम से लाया ना एवरसाइन, एवरसाइन इधर नहीं, एवरसाइन इधर है, इधर है, इधर झोटवाड़ा है, ऐसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की भी ऐसे दिक्कत होती है, मुझे लगता है मेरी ही होती है, मेरे को तो पहले ये भी नहीं पता होता था रास्ता, अब तो मैं साइकिल लेके काम ही करता हूँ ऐसा लगे कि मैं ऐसे कोई भी गली घुस जाता हूँ फिर कहता हूँ कि निकल के दिखाता हूँ, फिर मैं निकल के आ जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, अब तो लोग प्लॉट नंबर भी पूछ लेते हैं ना ये कहाँ मिलेगा, मैं बता देता हूँ वहां पे छोड़ के आऊँ क्या, हाँ मैं ऐसे घर जाता हूँ किसके घर पे क्या नाम लिखा हुआ है कितने कैंडिडेट रहते होंगे लेकिन पता नहीं चलता है रहता भी है कि नहीं रहता है, मैक्सिमम घर खाली दिखते हैं,
मैंने कहा देखता हूँ, घर में थोड़ी घुसता हूँ। पाप है देखना घरे गुला। अच्छी सोच के, वैसे तूने नहीं बोला होगा, तू सोच रहा मेरी तरफ क्यों देख रहा, मुझे पता नहीं ना कितने बोला। तूने बोला मास्क वाला उल्टी बातें तू तो बहुत करता है वैसे है? ये भी बताता हूँ। कहाँ से लाया पानी? गड़े से लेके आया क्या? गड़े से लेके आया तो आरो में से सुगंध तो इसमें गड़े वाली से आ रही है। आरो को गड़ा बना रखा तुमने, आरो में ठेकरी डाल रखी है। सोच तो रहा होगा तू तो पानी देके पाप थोड़ी कर दिया, लेकिन क्या करे मैं चुपचाप पी नहीं सकता। आरो का पानी तो नहीं है तो फिर वो आरो नहीं है तुझे से समझ। अच्छा वो होगा, समझ गया। ऐसे लाल लाल सा दिखता है, टूटी लगी हुई है, फिर टूटी को ऐसे ऊपर करते हैं तो उसको बेटा मटका कहते हैं, और टंकी मटका, मटका टंकी ऐसे कहते हैं, यहाँ पे मिलता है वैशाली नगर में। तुम्हें लग रहा है तो पी के देख लेना बस। बढ़िया, अब तो मैं आइए अपरगामी तरंगे। क्या होती है अपरगामी तरंगे, कब बनती हैं? जब सर्वसम तरंगे विपरीत दिशा में जाती हैं एक दूसरे पर। तो जैसे अभी अपने बात की, एक तरंग को भेजता हूं और वो टकरा के वापस आती है। अब मैंने एक रस्सी बांध रखी और रस्सी में यहाँ पे तरंग बना रहा हूँ, तो तरंग बना रहा हूँ तो तरंग जा रही है, लेकिन उस दीवार तक जाएंगी, दीवार में आगे तो जा नहीं सकती, तो लौट के तो इधर जा भी रही है और आ भी रही है, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी और तरंग हो जाती है। अपरगामी तरंगे, नाम से थोड़ा सा चल रहा है, परगामी का मतलब होता है जो गमन करती है, अपरगामी जो गमन नहीं करती। तो बड़ी अजीब बात लगती है कि अभी अभी तो तरंगे पढ़ा रहे थे और अभी कह रहे हो कि अपरगामी है कि वो गमन नहीं भी करती, तो फिर तरंगे कैसे हुई? तो यहाँ पे भी कण दोलन करते हैं, यहाँ पे ऊर्जा होती है, लेकिन एक ऊर्जा निश्चित क्षेत्र के अंदर रहती है। जैसे अपन कह रहे हैं इस कमरे के अंदर भी ऊर्जा है, उस कमरे में ऊर्जा है, अगले में भी ऊर्जा है, लेकिन इस कमरे की ऊर्जा यदि दूसरे में नहीं जा रही है तो वो कहलाती है अपरगामी। यानी है कि इसमें कमरे में बच्चे हैं, वो चल नहीं रहे, कूद नहीं रहे, उनमें एनर्जेटिक नहीं है, वो हो सकता है उस वाले से भी, और है ही, जनता भी तो ज्यादा है। क्यों पिंटू भी था हमारे पास, क्योंकि ऊर्जा की बात करो तो हाफ एमवी स्क्वायर होता है, मास तो घना ही है, वेलोसिटी कम हुआ तो क्या हुआ? क्यों पिंटू? लेकिन तेरे को दोष नहीं है, नीचे यहाँ तू ही है, नीचे वाले रूम में जाओ, सात नंबर में तुम्हें ऐसे लगेगा, मतलब ऐसे कई तो ऐसे बैठ जाते हैं ना, ऐसे लोगों को ऐसे बगल में जगह चाहिए होती है, उनको टांगों के बीच में भी इतनी चाहिए होती है, भीड़ नहीं पाती ना टांग, तो उनको देख के तो कमी है मास, नहीं बोलो द्रव्यमान। हाँ उन्हीं की बात कर रहा था, विपरीत दिशाओं वाले की। तो विपरीत दिशा में जाते हुए टकरा के जब वापस आ जाती है तो अपरगामी तरंगे, कहने का मतलब है इस कमरे की ऊर्जा इसमें रहेगी, उसकी उसमें रहेगी, उसकी उसमें रहेगी, और जिन दो बिंदुओं के बीच में अटकी रहती है उन्हें कहते हैं अपन नोड, निष्पंद कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पंद कहते हैं, नोड, नोड कहते हैं उनको, कि दो नोडों के बीच की जो ऊर्जा होता है नोड में रहती है, नोड को आर पार करके ऊर्जा आगे नहीं जाती। अब ये थोड़ा अजीब सा कि कैसे से बनती होंगी, तो इसके अंदर लूप बनेंगे, जैसे आपको ये दिख रहे ना कि ये इस टाइप के ऐसे लूप बनते हैं, तो इन लूप का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आगे बार बार इन्हीं में प्रॉपर्टी के बारे में टाइम लग जाएगा अपने को। तो ऐसे समझे कि दो तरंगे एक ऐसे जा रही थी एक वापस आ रही थी, तो मैं बहुत सारे मल्टीपल तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन एक पल्स बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब ये दो बिंदु है, ये क्या है? नोड है, और ये दो बिंदु है वो भी क्या है? नोड है। तो दोनों नोड ऐसे थे, ये माध्यम के खंड क्या होते हैं, ऐसे उड़ते हैं, उड़ते 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 उड़ते, और ये क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे और फिर ये वापस आ जाएंगे। तो इस हिसाब से ये बीच में आपके पास क्या करेंगे, पल्स ऐसे बनी, और फिर अब ये मेरे हाथ उल्टे जाएंगे नहीं ना, वरना वो ऐसे नीचे भी जाती है, तो ऐसे 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 तो ये पल्स ऐसे 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 बनती रहेंगी। तो ये एक लूप बना, नहीं देख रहा सर, बनेगा तीसरा लूप बनेगा, तो आपको क्या देखेंगे वहां पे,
लूप से लूप, लूप से लूप बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये दो बिंदु जो है ये हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे। तो दो बिंदु फिक्स रहेंगे और बाकी का माध्यम वाले जो हाथ है ये क्या करेंगे, माध्यम के कण ऐसे धीरे 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 कहां उठे, ऊपर, और फिर ये वापिस नीचे आ गए। ये किसके अंदर है, अपरगामी तरंगों के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने एक तरंग ये बना दी और टकरा के वापिस आ जाती है, दोनों का जारोपित कराने से ऐसा बनता है। अब इसी को समझ लीजिए, डायग्राम समझ में आ गया, सोचो कि अपरगामी तरंगे ऑलमोस्ट खत्म से हो जाएंगे, मतलब डेफिनेशन। तो इन बिंदुओं को क्या कहेंगे, तो मेरी तरफ हो या इनकी तरफ हो, फिर ले लो पार्टी, तुम्हें लगता है बिल्कुल, तो मेरी तरफ रहो, मैं जैसे कहूं वैसे ही करना है, ऐसे कह दो इनको कि हम नहीं लेंगे पार्टी। ये ये भी आज पिज़्ज़े में खाना बनवा दिया, वरना वो बेस्ट होगा, हम नहीं चाहते जाने नहीं देगा। ये बेचने की बात कर रहे हैं, कैमरा भिजवा दो। ना ना, जैसे कोई कहता हाँ मैंने कहा भी सर, कहते मेरा भी बिका हुआ है। Thank you.
ये लैपटॉप वगैरह उसी किडनी का मॉल है, हमें क्या लगता है? देखो वो तो कर रहे हैं अपने को भ्रमित, वो चाहते ही नहीं अम्मा बोल दू, फिर लास्ट में सरप्राइज होगा और तुम बोलने नहीं दोगे तो सरप्राइज मिलेगा ही नहीं तुम्हें। अब फिर से बताता हूँ, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम लोग फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सको। तुम नहीं चाहते, तुम पढ़ो, तुम अच्छे बच्चे हो कि नहीं, फिर मैं पार्टी केवल अच्छा हो देता हूं। तो तुम्हें पार्टी, और तुम ऐसे सोचो से सही, तुम्हें बोलने में तो शर्म नहीं आती पार्टी, तुम्हें कहा लेके जाऊं इतनों को, तुम्हें तो वैशाली नगर के विवाह स्थल भी छोटे पड़े। हाँ मंगवा दो, मैंने हलवाई मेरे बाप का करा ताकि वो बना बना भेज देगा यहाँ पे। अपन पार्टी को नहीं को देते जो हमें गिफ्ट देता है, लायो तुम जो जो लाया उसको दूंगा। कौन कौन लाया? पर्सनल पर्सनल, ऐसे नहीं कि पब्लिक में। हाँ ठीक है, एक दो तीन, तीन जने बस हो गई तुम्हें संडे को, ठीक है? नहीं इसलिए कि भाई संडे को एडीएस के ठीक बाद तुम्हें किस चीज की, और तुम्हें मैंने बताया तो था इस महीने में वैसे ही टैक्स कटा हुआ है गरीब आदमी का, और एक आधे दिन की सैलरी भी गई मेरे तो, नहीं वो कोई लीव वगैरह लगी थी, वो अगले महीने में आएगी तब कोई बजट आएगा। सोचो तेरे को वो अच्छा लगा ना मेरा वाली बात, बिल्कुल सही ठीक है। तो तुम्हारे पास सबके पास संडे तक का टाइम है, जितने गिफ्ट आएंगे उतना के पार्टी मिल जाएंगे, ठीक है? क्लियर? ठीक है, गिफ्ट में लेटर नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम ऐसे सोचो लेटर लिख दिया और सर गिफ्ट थे मेरे तरफ से, है पैन हो सकता है, ये भी दिक्कत है। ये बेटा पार्टी थोड़ी, अच्छा तो मैं दूंगा, ये तो पैन दोगे तो मैं डेरिक मिल्क दे दूंगा, लेटर लोगे तो अपन उसपे सेम टू लिख देंगे। रिश्ता लेके आएगा, रिश्ता लेके आएगा भाई, अपन उसी को शादी का टेंडर देंगे, जितना पैसे बचा सका बचाइए। वो बोलेगा कि अपन 10 लाख में शादी करा सकते हैं, अपन कहेंगे उसको करा दे जितने बचा सके, बस लोग भूखे न जाएं, कुछ भी खिला दो उनको, क्योंकि ऐसे लोग भी तो आएंगे तो तुम चाहते हो भूखे घूमे क्यों दिनेश? तो अब अपन देखो पढ़ ही लेते हैं, बातों में कुछ रखा नहीं है। नीचे से भी मेरे कॉल आ रहे हैं और देखो तुम तो होंगे ही, बिछाड़ो रात को बर्थडे सर, यू नो मतलब अंगड़ाई ले रही थी और सोडिया लगा हुआ मिल गया, लेट गई उस पे या लेट गया, दोनों हो सकते हैं। तो मेरा आप ऐसे ही और ऊपर से चिल्लाने लगे, जब बना तो है ये कि हाँ अरे मार ही डाला। साइकिल, हाँ साइकिल तो कल ही टकराई है गाड़ी से, आगे वाले टायर के चोट लगी है तो थोड़ा सा।